डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच हुई तेज। पूछताछ के लिए 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट हुई तैयार। आरजीकर कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की भी हो रही जांच। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर आईएमए का बड़ा प्रदर्शन। देशभर के अस्पतालों में हड़ताल, इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं बंद। राजस्थान के उदयपुर में दो छात्रों की लड़ाई के बाद तनाव, कई जगहों पर हिंसा, गाड़ियां चलाई गई, धारा 144 लागू, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। कानपुर रेल हादसे के पीछे बड़ी साजिश का शक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, ट्रैक पर रखी चीज से टकराया इंजन, आईबी और यूपी पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों से भी कर रहे हैं संपर्क। हिमंता बिस्वा सरमा ने टिप्पणी करने से किया इनकार, कहा भी हमसे कोई संपर्क नहीं है। वतन वापसी पर विनेश फोगाट का ग्रैंड वेलकम। साक्षी मलिक को गले लगाकर रोई। स्वागत के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। तुर्की की संसद में चले लात घूंसे। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने विपक्ष के सांसद अहमद सिक पर किया हमला। एक मुद्दे पर बहस के दौरान कहासुनी के बाद हुई हाथापाई। हमले में अहमद सिक बुरी तरह जख्मी हो गए।